Assalamualaikum. Awal tadi lucu, can you hear me? Okay, great. आज हम 9 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह वी विल बी स्टार्टिंग इट एंड आल्सो क्लोजिंग इट इन दिस वीक होपफुली 9 चैप्टर में चीजें काफी सिंपल हैं काफी अंडरस्टैंडिंग के हवाले से आसान है इन टर्म्स ऑफ टीम मैनेजमेंट इस चैप्टर में हम चार मेन एरियाज पे फोकस करेंगे we will be focusing on individual and group behavior workplace ke upar individual behavior mein aur group behavior mein bahut fark hota hai there is a huge difference and organizations mein dono kisam ke behaviors bade important hote hain to understand and to work with aur yahan pe is balki isi part mein se formal and informal group ke upar bhi recently september mein question bhi aaya tha in september 18 There was a question in the examination from this particular part. फिर हम बात करेंगे टीम और टीम रोल्स की ग्रुप्स और टीम का डिफरेंस क्या होता है टीम के अंदर किस किस्म के रोल्स प्ले किए जाते हैं यहाँ पे एक मॉडल है बेलविन का बेलविन के 9 टीम रोल्स ये भी पेपर में आ चुका है इसको डिस्कस करेंगे फिर हम बात करेंगे टीम डेवलपमेंट की टीम फॉर्मेशन एंड टीम डेवलपमेंट हाउ आर द टीम्स डेवलप्ड यहाँ पे मॉडल है ब्रूस चैपमैन का ब्रूस चैपमैन मॉडल उसकी 5 स्टेजेस है टीम डेवलपमेंट की वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर इफेक्टिव और इनइफेक्टिव टीम्स का डिफरेंस तो बेसिकली इस चैप्टर में डिफरेंसेस काफी इंटरेस्टिंग है 3-4 किस्म के डिफरेंसेस मौजूद हैं पहला इसमें फॉर्मल ग्रुप इनफॉर्मल ग्रुप का डिफरेंस है दूसरा इसमें इंडिविजुअल अप्रोच वर्सेस टीम अप्रोच है तीसरा इसमें ग्रुप वर्सेस टीम्स है और चौथा इसमें इफेक्टिव वर्सेस इनइफेक्टिव टीम्स का डिफरेंस मौजूद है सो दीज आर सम ऑफ द की डिफरेंसेस वर्कप्लेस के ऊपर इंडिविजुअल बिहेवियर पे हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है 6 चैप्टर परसेप्शन पे एटीट्यूड पे और बिहेवियर वर्कप्लेस के ऊपर इंडिविजुअल बिहेवियर के साथ साथ ग्रुप बिहेवियर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एट द वर्कप्लेस इंडिविजुअल बिहेवियर डज मैटर बट व्हेन पीपल वर्क इन ग्रुप्स तो ग्रुप बिहेवियर काउंट्स अ लॉट इंडिविजुअल बिहेवियर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है एवरी सिंगल पर्सन विल हैव अ डिफरेंट इंडिविजुअल बिहेवियर एंड दैट बिहेवियर विल नॉट अफेक्ट his performance rather it is not going to affect others performance as well for example individuals go to work for a number of reasons individual behaviors mukhtalif qisam ke hain aur usme sabse pehli cheez to aapki reason to work hai like for example some people go to work because they want to earn money some people go to work because they have more interest in the work kuch ki extrinsic motivation high hoti hai kuch ki intrinsic motivation high hoti hai kuch ko hygiene factors ke through kaam karna padta hai kuch motivator factors se kaam karte hain For example, people decide that they have to work and they must be good to do a job because they don't want to be expelled by their boss or they don't want any trouble from their boss. अब यहाँ पे hygiene factors की बात हो रही है। कुछ individuals जो हैं, they have pride in their work. ये self fulfillment की बात हो रही है, intrinsic motivation की बात हो रही है। Some individuals need to be told what to do by their bosses. ये theory X के लोग होते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद creativity को एग्जीक्यूट करते हैं इनिशिएटिव लेते हैं ठीक है इंडिविजुअल्स नेवर वर्क इन आइसोलेशन लोग दुनिया में कभी भी आइसोलेशन आइसोलेशन कहते हैं अलहदगी को तन्हाई को दुनिया में लोग कभी भी आइसोलेशन में काम नहीं करते रादर पीपल ऑलवेज वर्क इन ग्रुप्स पीपल ऑलवेज कम्युनिकेट विद ईच अदर तो जब लोग कम्युनिकेट करते हैं दूसरे के साथ तो उनकी आपस में कुछ एक्सपेक्टेशन पैदा हो जाती हैं जिससे वो ग्रुप बिहेवियर की तरफ चल पड़ते हैं ग्रुप बिहेवियर बेसिकली हम डिटरमिन करते हैं व्हेन देयर आर फ्यू पीपल वर्किंग एज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप एंड दे आर अकोमोडेटिंग ईच अदर और वो एक दूसरे के लिए अपने पर्सनल कंसर्न्स को सैक्रिफाइस कर देते हैं दैट इज अ ग्रुप बिहेवियर ठीक है तो देयर आर सम पीपल हु एंजॉय कम्युनिकेटिंग विद अदर पीपल देयर आर इंडिविजुअल्स हु डू नॉट कम्युनिकेट वेल विद अदर पीपल वन वे और द अदर बिहेवियर्स पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं बट व्हेन यू आर पार्ट ऑफ अ ग्रुप तो ग्रुप के जो बिहेवियर्स हैं वो सेम होते हैं तो वर्क ग्रुप बिहेवियर के जो की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि वर्क ग्रुप फॉर्मल है या इनफॉर्मल है हमने थर्ड चैप्टर पढ़ा था आपको याद होगा हमने थर्ड चैप्टर में फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल स्ट्रक्चर का एक टॉपिक पढ़ा था दिस इज एग्जैक्टली द सेम कॉन्सेप्ट है क्योंकि फॉर्मल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था कि किसी ना किसी गोल के लिए सेट किया जाता है उसके ऊपर उसकी एक सेट हायरार्की होती है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर होते हैं एम्प्लॉइज के
इसके बरक्स इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में कोई टास्क नहीं होता, कोई गोल नहीं होते, हायरार्की नहीं होती, दैट इज जस्ट अ सोशल सेटिंग। लोग लंच पे मिलते हैं, डिनर पे मिलते हैं, चाय पे मिलते हैं, वो एक सोशल सेटिंग बना लेते हैं। हाउ डू वी डिफाइन अ वर्क ग्रुप? दिस इज हाउ वी डिफाइन अ वर्क ग्रुप। वर्क ग्रुप एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज होता है हु वर्क विद अ कॉमन पर्पस एंड अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी। दो इसमें कंडीशंस होती हैं। There are two conditions in a work group. Number one, there is a common purpose, and number two, there is a sense of identity. So, two conditions जो हैं ये work group को develop करती हैं। एक work group के अंदर common जो उनकी common purpose है और उनका दूसरी उनकी पहचान है। दो किस्म के work groups पाए जाते हैं। Formal work groups होते हैं और informal work groups होते हैं। Informal work group और formal work group का जो concept है ये हम third chapter में पढ़ के आ चुके हैं। Formal versus informal structure के context में। इनफॉर्मल वर्क ग्रुप वो एम्प्लॉइज का ग्रुप है, दोज़ हु डू नॉट हैव अ फॉर्मल और एन ऑफिशियल आइडेंटिटी। दिस इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु गेट ऑन वेल विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ बेहतर काम करते हैं, इफेक्टिवली काम करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं सोशली। दे माइट हैव लंच टुगेदर, दे माइट यू नो हैव पर्सनल इंटरेस्ट, कॉमन पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, फैमिली मैटर्स इनमें कॉमन हो सकते हैं, वो डिस्कस करते हैं वगैरह, कप ऑफ टी और कप ऑफ कॉफी। Some informal group might meet together outside work on social basis. कुछ informal group जो हैं वो काम के अलावा भी socially भी मिलते हैं। Informal work groups जो हैं वो collective attitude develop कर लेते हैं काम की तरफ। They develop a collective attitude to work. हमने पढ़ा था third chapter में कि ये collective attitude जो है ये management के लिए hostile भी हो सकता है, नुकसानदेह भी हो सकता है और फायदेमंद भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था थर्ड चैप्टर में कि हम जो मैनेजमेंट है वो इस कलेक्टिव एटीट्यूड को रोक नहीं सकती, वो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर को खत्म नहीं कर सकती। सो व्हाट दे डू इज दैट दे ट्राई टू यूज इनफॉर्मल स्ट्रक्चर फॉर देयर बेनिफिट। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि इनफॉर्मल ग्रुप्स जो होते हैं वो कलेक्टिव एटीट्यूड बिल्ड कर लेते हैं, दैट कैन बी पॉजिटिव और दैट कैन बी नेगेटिव। और उसके अंदर फिर वो अगर नेगेटिव है तो वो हॉस्टाइल बन जाएगा मैनेजमेंट के लिए, अगर वो पॉजिटिव है सो दैट कैन बी अ सपोर्ट, दैट कैन बी अ सपोर्ट फॉर द वर्क, ठीक है। इनफॉर्मल वर्क ग्रुप्स के अंदर कम्युनिकेशन भी बड़ी स्पीडी होती है। इनफॉर्मल वर्क ग्रुप्स जब कम्युनिकेट करते हैं तो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन बड़े फास्ट होते हैं। न्यूज ऑफ एन इवेंट और सम न्यू डेवलपमेंट एट वर्क गेट्स अराउंड वेरी क्विकली, जिसे आप ग्रेप वाइन कहते हैं। रिमेंबर ये आपने पढ़ा होगा ना बिजनेस कम्युनिकेशन में ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन के अंदर जो न्यूज होती हैं वो बड़ी स्पीडली मूव करती हैं, वो बड़ी स्पीडली मूव करती हैं। ग्रेप वाइन के अंदर कम्युनिकेशन चैनल्स इनफॉर्मल होते हैं। इन ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन चैनल्स आर इनफॉर्मल। इसके बरक्स फॉर्मल वर्क ग्रुप्स आर क्रिएटेड टू ऑर्गेनाइज वर्क। फॉर्मल वर्क ग्रुप हम बनाते हैं या बनाए जाते हैं किसी काम को फॉर्मली एग्जीक्यूट करने के लिए। फॉर्मल वर्क ग्रुप के अंदर जो स्पेसिफिक रोल्स हैं, जो फंक्शंस हैं, वो फॉर्मली असाइन किए जाते हैं। इन अ फॉर्मल वर्क ग्रुप देयर आर नंबर ऑफ जॉब्स टू परफॉर्म टू बी परफॉर्म, और आप एम्प्लॉइज को अपॉइंट करते हैं उन जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए। यू अपॉइंट एम्प्लॉइज टू परफॉर्म दोज जॉब्स। और अगर कोई एक एम्प्लॉई जॉब छोड़ जाता है या उस ग्रुप से क्विट कर जाता है तो आप किसी और एम्प्लॉय को हायर करते हैं उसकी पोजीशन को फिल करने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर्मल वर्क ग्रुप की मेंबरशिप परमानेंट होती है। ना फॉर्मल वर्क ग्रुप देयर इज अ मेंबरशिप जो है वो बड़ी परमानेंट होती है, ठीक है। और हर इंडिविजुअल एम्प्लॉय जो है वो अपना अपना रोल प्ले कर रहा होता है। फॉर्मल वर्क ग्रुप पे फॉर्मल लीडर भी होता है जो कि शायद इनफॉर्मल वर्क ग्रुप में नहीं होता। फॉर्मल वर्क ग्रुप के दो मेन पर्पसेस होते हैं, देयर आर टू पर्पसेस ऑफ फॉर्मल वर्क ग्रुप। पहला की पर्पस है टू कंबाइन द एफर्ट ऑफ द पीपल टुगेदर, सिनर्जी पैदा करना, लोगों की एफर्ट को इकट्ठा कर देना, टू कंबाइन द पीपल और उनकी एफर्ट्स को आप इकट्ठा कर देते हैं, सो दैट यू कैन सिनर्जाइज, ताकि आप सिनर्जाइज कर सकें। और नंबर टू, टू अचीव अ कॉमन गोल ऑब्वियसली। तो फॉर्मल वर्क ग्रुप जो है इसके अंदर हम लोगों की एफर्ट को कन्वर्ज कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, सो दैट दे कैन अचीव अ कॉमन गोल टुगेदर, सो दैट दे कैन वर्क फॉर अ कॉमन टास्क। फॉर्मल वर्क ग्रुप के अंदर हमारा जो मेन पर्पस होता है वो एफर्ट्स को कन्वर्ज करना होता है, वी हैव टू कन्वर्ज द एफर्ट्स। ऑन द अदर हैंड इनफॉर्मल वर्क ग्रुप्स के अंदर हमारा मकसद ये नहीं होता। इनफॉर्मल वर्क ग्रुप्स जो है वो खुद ही बन जाते हैं सोशल सेटिंग में, खुद ही बन जाते हैं वर्क प्लेस के ऊपर, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो
डेवलप करने के लिए इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्टिंग टुगेदर, इन टर्म्स ऑफ हैविंग सम गुड टाइम टुगेदर। ठीक है, अभी सितंबर के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप का डिफरेंस एक्सप्लेन करें। दिस वॉज द क्वेश्चन इन सितंबर अटेम्प्ट, सितंबर के पेपर में दिस वॉज द क्वेश्चन। इंडिविजुअल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म वेरियस फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स। Briefly describe the difference between formal and informal group in terms of formation, decision making, purpose and termination of membership. Four dimensions mein differences pooch raha hai aapse. Formal ki formation kaisi hoti hai, informal ki formation kaisi hoti hai, formal ka purpose kya hota hai, informal ka purpose kya hota hai, formal ki membership kaise terminate hoti hai, informal ki membership kaise terminate hoti hai. So that is formation. Members of formal team are appointed by the management. ये formation है. Informal group की जो membership है या जिसकी formation है, that is through social interaction of the members. ये membership termination है. Membership permanent होती है. Employees group में काम करते रहते हैं until they leave the job or they are moved to some other work group. और अगर वो छोड़ जाएं तो फिर rehiring हो जाती है. आप उस slot को दोबारा refill कर देते हैं by hiring a new person. जबकि इनफॉर्मल वर्क ग्रुप की जो मेंबरशिप है वो सोशल इंटरेक्शन पे डिपेंड करती है। न्यू मेंबर्स माइट जॉइन द ग्रुप एट एनी टाइम एंड एग्जिस्टिंग मेंबर्स माइट लीव द ग्रुप एट एनी टाइम। तो ये दूसरा था मेंबरशिप टर्मिनेशन वाला जो पॉइंट था। फिर फॉर्मल वर्क ग्रुप के क्लियर वर्क टास्क होते हैं, क्लियर वर्क ऑब्जेक्टिव होते हैं, और इनफॉर्मल जो ग्रुप होता है उसके क्लियर वर्क टास्क या क्लियर वर्क ऑब्जेक्टिव नहीं होते। डोंट हैव क्लियर वर्क ऑब्जेक्टिव्स, डोंट हैव क्लियर वर्क concerns. Formal work group की formal existence होती है, इसका इससे क्या मतलब है कि ये formal work group जो है ये management की किताबों में उनके कागजों में exist करता है। जैसे इस class की मिसाल लें अगर, तो इस वक्त इस class में 5-6 लोग बैठे हैं, ये एक formal work group है, और इस formal work group की एक formal existence भी है। This is a formal work group with a formal existence. एक formal work group है और इसकी एक formal existence भी है। ये जो वर्क ग्रुप है ये मैनेजमेंट की बुक्स में मौजूद है, एडमिन के पास इसकी डिटेल है, आईटी वालों के पास इसकी डिटेल है, कितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं। जबकि इनफॉर्मल वर्क ग्रुप की कोई फॉर्मल एग्जिस्टेंस नहीं होती, कोई क्लियरली डिफाइंड सेंस नहीं होती। फॉर्मल वर्क ग्रुप जो है उसके मेंबर के पास फॉर्मल रोल्स और फॉर्मल जॉब टाइटल्स होती हैं। फॉर्मल वर्क ग्रुप के अंदर जॉब्स आर वेरी क्लियर, सो जॉब टाइटल्स आर आल्सो क्लियर। इनफॉर्मल वर्क ग्रुप में चूंकि जॉब्स ही नहीं है तो जॉब टाइटल्स भी नहीं होंगे, रोल्स भी नहीं होंगे। फॉर्मल वर्क ग्रुप के अंदर डिसीजन मेकिंग होती है, दैट इज वेरी स्ट्रक्चर्ड, और जनरली डिसीजन जो है वो लीडर लेता है, ग्रुप लीडर लेता है, जो लीड कर रहा होता है ग्रुप को, ही इज द वन हु मेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजंस। जबकि इनफॉर्मल वर्क ग्रुप जो होता है उसके अंदर जो डिसीजन मेकिंग है अव्वल तो वो इतनी स्ट्रक्चर्ड होती नहीं है, और अगर डिसीजन हो भी तो वो कलेक्टिव एग्रीमेंट से होते हैं, कंसेंसस से होते हैं। In an informal work group, if the decisions are being taken, तो वो consensus से होंगे। They are going to be through consensus, consensual decision making के साथ। Formal work group के अंदर performance evaluation और performance effectiveness को measure करने का एक set तरीका होता है, जबकि informal work group में कोई, क्योंकि आपके पास ना goals हैं ना formal roles हैं, तो ultimately performance भी नहीं होगी। और ये possible है कि informal work group जो है, वो एक collective attitude build कर लेता है towards management. That can range from very supportive at one extreme and not at all supportive at the other extreme. एक end पे बहुत supportive और एक end पे बिल्कुल भी supportive नहीं है। एक end के ऊपर it is highly supportive and on the other end it is not at all supportive. ठीक है? Formal work group जो है आपके वो बड़े clearly performance को measure करते हैं, लेकिन informal इनफॉर्मल वर्क ग्रुप जो होते हैं उसके अंदर आपकी कोई ऐसे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन नहीं होती। हाँ, बट दे डू प्ले अ रोल। इनफॉर्मल वर्क ग्रुप का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है मैनेजमेंट के डिसीजंस को या सपोर्ट करते हैं या उसको हॉस्टाइल कर देते हैं। फॉर्मल वर्क ग्रुप के प्रोसीजर और सिस्टम बड़े क्लियर होते हैं, एस्टैब्लिश्ड होते हैं। इनफॉर्मल वर्क ग्रुप के सिस्टम और प्रोसीजर जो है वो एस्टैब्लिश्ड नहीं होते। फॉर्मल वर्क ग्रुप जो होते हैं इनके सिस्टम, इनके प्रोसीजर जो है दे आर हाईली एस्टैब्लिश्ड। ऑन द अदर हैंड informal work group के procedure के systems जो हैं they are not at all established. अब आपने difference पूछा है formation, purpose, decision making and termination of membership. purpose, decision making and termination of membership.
फॉर्मेशन पर्पस डिसीजन मेकिंग, तो ये फॉर्मेशन का पॉइंट है, दिस इज फॉर्मेशन, पहला डिफरेंस, दिस इज मेंबरशिप, दिस इज पर्पस, ये पर्पस है, एंड दिस इज डिसीजन मेकिंग, ये चार पॉइंट्स आपने एक्सप्लेन करना है पेपर. सो दीज आर द फोर पॉइंट्स फॉर 8 मार्क्स, ये 8 नंबर का सवाल. अभी रिसेंटली सितंबर के पेपर में आया था वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑन फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल ग्रुप्स. अच्छा, वर्क प्लेस के ऊपर फॉर्मल वर्क ग्रुप्स के अंदर, अब चूंकि हम बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस की, तो फॉर्मल वर्क ग्रुप्स में चूंकि परफॉर्म करना होता है और इनकी परफॉर्मेंस को करने इवेलुएट भी करना होता है, तो फॉर्मल वर्क ग्रुप्स जो है इनकी परफॉर्मेंस के की दो अप्रोचेज हैं. देयर आर टू अप्रोचेज टू अचीव इफेक्टिव परफॉर्मेंस. फॉर्मल वर्क ग्रुप परफॉर्मेंस जो है इसकी इफेक्टिवनेस की दो अप्रोचेज हैं. देयर आर टू अप्रोचेज टुवर्ड्स देयर इफेक्टिवनेस. नंबर वन इंडिविजुअल अप्रोच एंड नंबर टू टीम अप्रोच. 2+2 makes 4 एंड 2+2 makes 5. 2+2 4 होते हैं और 2+2 5 होते हैं. 2+2 4 होने का मतलब है कि आपने मतलब किसी भी एक ग्रुप के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं, इफ ऑल ऑफ देम आर वर्किंग इफेक्टिवली, तो इट मींस दैट द ग्रुप विल बी वर्किंग इफेक्टिवली. 2+2 makes 4. ठीक, लाइक ईच मेंबर इफ ही इज प्लेइंग हिज रोल इफेक्टिवली, अगर हर बंदा अपना अपना रोल अच्छे से प्ले कर रहा है, तो ये अंडरस्टूड है कि ग्रुप परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी. इसे कहते हैं इंडिविजुअल अप्रोच टू वर्क. इंडिविजुअल अप्रोच टू वर्क ये कहती है कि वर्क शुड बी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड एंड एम्प्लॉइज शुड बी अपॉइंटेड टू कैरी ऑन स्पेसिफिक जॉब फंक्शंस. इफ ईच इंडिविजुअल परफॉर्म हिज जॉब इफेक्टिवली, द एंटायर वर्क ग्रुप विल परफॉर्म इफेक्टिवली. अगर हर एम्प्लॉय इफेक्टिवली परफॉर्म करेगा, तो पूरा ग्रुप इफेक्टिवली परफॉर्म करेगा. इट मींस द इफेक्टिवनेस ऑफ द वर्क ग्रुप इज टोटल सम ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ ईच ग्रुप मेंबर. 2+2 = 4. 4 इज द इफेक्टिवनेस ऑफ द होल वर्क ग्रुप एंड 2 इज द इफेक्टिवनेस ऑफ ईच ऑफ द टीम मेंबर और द ग्रुप मेंबर. ये जो इंडिविजुअल अप्रोच है ये अब ऑब्सोलीट हो चुकी है, इस पे अब काम नहीं होता. आजकल दौर है टीम अप्रोच का. टीम अप्रोच ये कहती है कि इंडिविजुअल एफर्ट्स तो इम्पोर्टेंट है ही हैं, इसके साथ साथ एक फिनोमेना है टीम वर्किंग का, टीम वर्क भी होना चाहिए. द कंबाइंड आउटपुट ऑफ द इंडिविजुअल्स इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द इंडिविजुअल आउटपुट. 2+2 makes 5. 2+2 5 होते हैं. ये 2+2 5 वाला जो फिनोमेना है, दैट इज द टीम अप्रोच टू वर्क. इसका मतलब है कि वर्क ग्रुप विल बी मोर इफेक्टिव if members work well together as a team. Effectiveness comes from the ways in which group members work with each other as well as the way the individual perform their job. यानी दोनों चीजों पे कैसे परफॉर्मेंस डिपेंड करती है, ग्रुप मेंबर कैसे काम कर रहे हैं. बेस्ट एग्जांपल मिल दी आपको किसी भी स्पोर्ट्स टीम के अंदर, फुटबॉल टीम, क्रिकेट टीम. व्हाई नॉट वी कॉल इट फुटबॉल ग्रुप और क्रिकेट ग्रुप. हम फुटबॉल ग्रुप या क्रिकेट ग्रुप क्यों नहीं कहते, ठीक है, हम फुटबॉल टीम या क्रिकेट टीम क्यों कहते हैं. देखिए फुटबॉल टीम को अगर आप फुटबॉल मैचेस देखिए, उस फुटबॉल मैच में 11 लोग होते हैं टीम में, उन 11 के 11 लोगों को एक सर्टेन पोजीशन दी जाती है फील्ड के ऊपर. उन 11 में से एक गोलकीपर है फॉर एग्जांपल, 3 जो है वो डिफेंडिंग लाइन में खेलते हैं डिफेंडिंग प्लेयर, 4 फॉर एग्जाम्पल मिडिल लाइन प्लेयर हैं सेंटर लाइन पे खेलते हैं, और 3 ही अटैकर्स हैं फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, Now this is the setting in the field. लेकिन आपने गौर किया होगा कि जब कोई एक टीम बॉल लेके गोल स्कोर करने की कोशिश कर रही होती है, ओपोनेंट टीम की टीम है, तो पूरी टीम डिफेंडिंग कर रही होती है, पूरी टीम डिफेंडर का रोल प्ले कर रही होती है. That is team approach to work. That is collective effort. या अगर एक टीम अटैकिंग मोड में है, तो पूरी की पूरी टीम जो है वो अटैक कर रही होगी. ठीक है, there is no bifurcation on the duties and the roles. मतलब आप अपना specific functional area भी address करते हैं, आप अपना specific function भी perform करते हैं, और उसके साथ साथ आप collective effort में भी contribute करते हैं. तो ये sports teams जो है, ये बड़ी अच्छी example है to understand team approach to work. और यही example आपको दोनों भी दे रहा है इस paragraph के अंदर. अच्छा, synergy जो है वो दो किस्म की होती है. synergy positive भी होती है, negative भी होती है. पॉजिटिव सिनर्जी का मतलब है 2+2 = 5.
The combined output is greater than the sum of individual output if team goes well along together. अगर टीम आपस में हारमोनियस है, अंडरस्टैंडिंग है, अगर बाकी सारी चीजें सही हो रही हैं, तो फिर जो है फिनोमेना ये कहलाएगा पॉजिटिव सिनर्जी। लेकिन सिनर्जी कैन बी नेगेटिव एज वेल। सिनर्जी जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है कि अगर टीम पॉजिटिव सिनर्जी क्रिएट नहीं कर पाए तो दे माइट बी बिगर लॉस। ठीक है, लॉस ज्यादा हो सकता है। ये दो पॉइंट पर, व्हेन टीम मेंबर्स डू नॉट वर्क वेल टुगेदर द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीम एज अ होल इज लेस देन इफेक्टिवनेस ऑफ ईच मेंबर टेकन इंडिविजुअली। 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, ये दो जमा दो तीन की एग्जाम्पल, दैट इज 2 प्लस 2 3। कि अगर टीम मेंबर्स आपस में, अभी रिसेंटली आपने देखा पाकिस्तान ने वाइट वॉश कराया है, पाकिस्तान जस्ट लॉस्ट फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड दैट वाज अ क्लीन स्वीप। हालांकि पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रॉन्ग थी, पाकिस्तान का फर्स्ट ऑर्डर बैटिंग लाइन थी वो भी बेहतर थी, लेकिन एक चीज जो इसमें मिसिंग थी दैट वॉज टीम वर्क। There was no teamwork. There was only one person who is managing everything. ठीक है? Teamwork नहीं था। एक एक ही बंदे पे आप लगाए कर रहे हैं। वो ये भी देखिए किसी ने सीरीज देखी है किसी ने भी? Not even in a single inning 200 से ज़्यादा स्कोर कर सके। लारेब ने देखी है। और किसी ने देखी? देखा कहीं आप मैच अच्छे मैच अच्छे होते हैं देखने। Should watch them. Anyway. चलो अच्छी बात, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? अच्छा, सबके साथ यही है, इको हो रहा है, तो यू शुड हैव टोल्ड अस दियर देन। एक मिनट रुकिए, मैं चेक करता हूँ। हाँ जी, अब देखिए, अब बेहतर, अब बेहतर। तो बेटा पहले बता देना था ना। चल, तो ये है जी। अच्छा, ये सेकंड पॉइंट बने, सेकंड पॉइंट कह रहे हैं, व्हेन टीम मेंबर्स वर्क वेल टुगेदर द कलेक्टिव इफेक्टिवनेस एज अ होल कैन बी मच ग्रेटर देन द इफेक्टिवनेस ऑफ ईच टीम मेंबर टेकन इंडिविजुअली। ये है पॉजिटिव सिनर्जी, दिस इज नेगेटिव सिनर्जी, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, एंड दिस इज पॉजिटिव सिनर्जी, 2 प्लस 2 मेक्स 5। दो जमा दो पांच कब होंगे? जब कंबाइंड आउटपुट ऑफ द टीम इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द इंडिविजुअल आउटपुट्स। और नेगेटिव सिनर्जी कब होगी? द कंबाइंड आउटपुट ऑफ द टीम इज लेसर देन द सम ऑफ इंडिविजुअल आउटपुट्स। पाकिस्तानी टीम के अगर इंडिविजुअल प्लेयर्स को देखें तो सारे प्लेयर्स बड़े काबिल हैं, बट आई डोंट नो दैट व्हेन दे वर्क लाइक अ टीम इन अ मैच दे सिंपली लूज। ठीक है, क्योंकि उनकी टीम बिल्डिंग नहीं हुई, टीम बॉन्डिंग नहीं है, टीम उनकी स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो दीज आर सम ऑफ द वेज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेडिंग 1.3, इंडिविजुअल एंड टीम अप्रोच टू वर्क। इसके ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, पेपर में आ सकता है। ओके, रोल ऑफ, ये सवाल भी आ चुका है पेपर में 5 मार्क्स का, रोल ऑफ मैनेजमेंट इन टीम बिल्डिंग। मैनेजमेंट क्या किरदार अदा करती है टीम बिल्डिंग के अंदर? अकॉर्डिंग टू दीज डिस्कशंस, मैनेजमेंट हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन टीम बिल्डिंग। मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है टीम बिल्डिंग में। मैनेजमेंट प्रोवाइड लीडरशिप टू टीम्स एंड वर्क ग्रुप्स सो दैट टीम इज सक्सेसफुल। मैनेजमेंट का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम तो ये होता है ना कि उन्होंने लीडरशिप मुहैया करनी है, दे हैव टू लीड द टीम। मैनेजमेंट जनरली स्पीकिंग तीन काम करती है, थ्री थिंग्स विच मैनेजमेंट कुड डू। सबसे पहले तो मैनेजमेंट जो है, दे ब्रिंग सूटेबल ग्रुप मेंबर्स टुगेदर, सूटेबल इंडिविजुअल्स टुगेदर। सूटेबल से क्या मतलब है? बैलेंस ऑफ स्किल्स, स्किल्स का बैलेंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जो चीफ सिलेक्टर है वो है इंजमामुल हक। ठीक, नाउ जस्ट इमेजिन कि इंजमामुल हक साहब जो हैं वो हायरिंग कर रहे हैं टीम के प्लेयर्स के लिए, एंड लेट से इंजमाम साहब ये कहें कि सारे 11 के 11 टॉप ऑर्डर बैट्समैन हायर कर लेता हूं टीम में, 11 बैट्समैन होंगे तो 1000+ टारगेट तो दे ही देंगे 50 ओवरों में, और फिर बहुत भी अगर गंदी बॉलिंग कराएंगे तो 800-900 भी खा लेंगे तो मैच जीत जाएंगे। या इंजमामुल हक साहब ये सोचें कि टीम में सारे बॉलर्स हायर कर लेते हैं, ऑल ऑफ द 11 फास्ट बॉलर्स,
अपोनेंट टीम को अगर 50-60 पे भी रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो बड़ी आसानी से वो स्कोर पूरा कर लेंगे, ठीक है ना। दोनों ही अप्रोचेज गलत हैं। यू मस्ट हैव अ बैलेंस ऑफ प्लेयर्स इन योर टीम। आपकी टीम में अगर प्लेयर्स का बैलेंस नहीं है तो यू आर नॉट गोइंग टू विन, ठीक है। तो पहला काम ये होता है लीडर का, दैट दे हैव टू ब्रिंग सूटेबल मेंबर्स टुगेदर विद ऑल द डिफरेंट स्किल्स। दूसरा काम ये होता है दैट द लीडर शुड अलाउ एंड एनकरेज टीम टू डेवलप। यहाँ पे आएगा मॉडल टकमैन का, आगे जाके पढ़ेंगे। ब्रूस टकमैन का जो मॉडल है वो टीम डेवलपमेंट स्टेजेस को डिस्कस करता है कि एक टीम अपनी डेवलपमेंट में कितनी स्टेजेस से गुजरती है, हर स्टेज पे उसके साथ क्या क्या होता है। और तीसरा जो मैनेजर को काम करना चाहिए, दैट इज टू असेस परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल एंड द ग्रुप्स बोथ एंड रिवॉर्ड देम अप्रोप्रिएटली, उनको रिवॉर्ड करना होता है। तो मैनेजमेंट को पता है कि किस पर्टिकुलर एम्प्लॉई ने कितना काम किया है, किस पर्टिकुलर एम्प्लॉई ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, और मैनेजर उसके अलावा नहीं डिसीजन ले सकता कि वो किसको कितना रिवॉर्ड करे। फिर हमने पढ़ा था 7th chapter में कि रिवॉर्डिंग दो लेवल्स पे होती है, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे इंडिविजुअल्स की भी होती है, ग्रुप्स की भी होती है, इफ यू रिमेंबर दैट। ठीक, सो मैनेजर शुड बी कंसिडरेट अबाउट बोथ, इंडिविजुअल्स कितना प्रे कर रहे हैं और जो परफॉर्म कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स कितना परफॉर्म कर रहे हैं और ग्रुप्स कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। सो ये रोल है मैनेजमेंट का टीम बिल्डिंग के अंदर। सो अभी तक की डिस्कशन में चार इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स को रिव्यू किया है। 1.1 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर एट वर्क, 1.2 फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल ग्रुप्स, 1.3 दैट वाज इंडिविजुअल एंड टीम अप्रोच टू वर्क, एंड 1.4 रोल ऑफ मैनेजमेंट इन द टीम बिल्डिंग। इस इन चार सब क्वेश्चंस में से दो आ चुके हैं पेपर में, एक वो स्नेक वाला सवाल आ चुका है इसके अंदर से, नहीं एक सेकंड, कौन सा क्वेश्चन आ चुका है इसमें से, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप वाला क्वेश्चन आ चुका है, एग्जैक्टली क्वेश्चन ऑन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स ऑलरेडी अपीयर्ड, और इसमें ये रोल ऑफ मैनेजमेंट इन टीम बिल्डिंग, हाँ ये वाले दो क्वेश्चन आ चुके हैं। सो दीज टू क्वेश्चन हैव अपीयर्ड सो फार इन द एग्जामिनेशन। इसके अलावा अभी इसमें से ये इंडिविजुअल एंड टीम अप्रोच टू वर्क वाला सवाल आना बाकी है, और ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर वाला क्वेश्चन अभी नहीं आया। इस पार्ट में से कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस फर्स्ट पार्ट? जी बेटा, इंडिविजुअल अप्रोच टू वर्क ये कहती है कि अगर हर बंदा अपना अपना काम करेगा तो ग्रुप अच्छा परफॉर्म कर जाएगा, दैट्स इट। द इफेक्टिवनेस ऑफ द ग्रुप इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर्स। जी, टीम और ग्रुप का डिफरेंस अभी आगे आएगा बेटा, टीम वर्सेज, अभी हमने टीम वर्सेज ग्रुप को नहीं डिफरेंशिएट किया, अभी हम करेंगे, वो यहाँ पे आएगा। ये वर्क ग्रुप एंड वर्क टीम, ये अभी डिफरेंस पढ़ना है हमने, ठीक है। इंडिविजुअल अप्रोच टू वर्क ये कहती है कि एक वर्क ग्रुप इफेक्टिव होगा अगर उसके सारे मेंबर्स अपना अपना काम अच्छे तरीके से करेंगे, इफेक्टिवली करेंगे, ठीक है। लेकिन टीम अप्रोच टू वर्क ये कहती है कि अलोन इंडिविजुअल इफेक्टिवनेस इज नॉट इनफ, सिर्फ इंडिविजुअल्स का इफेक्टिव होना ना काफी है, बल्कि इंडिविजुअल्स के इफेक्टिव होने के साथ साथ उनकी टीम वर्किंग भी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर इंडिविजुअल सिर्फ इफेक्टिव हैं लेकिन टीम वर्क कोई नहीं है, सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड आउटकम। जिसमें वो फिर फुटबॉल टीम की मिसाल देता है, ये देखें, ये एग्जांपल देते हैं ना यहाँ पे फुटबॉल टीम की, हियर इट इज। ये यहां से पढ़ें, अ यूजफुल वे ऑफ कंपेयरिंग दीज टू अप्रोचेस माइट बी टू थिंक अबाउट अ फुटबॉल टीम और एनी अदर स्पोर्ट्स टीम। द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीम डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन द इंडिविजुअल टैलेंट्स एंड स्किल्स एज वेल एज देयर एबिलिटी टू परफॉर्म द फंक्शन फॉर विच दे आर इन द टीम। उनकी जो एबिलिटीज हैं
एक तो उनके पर्सनल स्किल पे डिपेंड करती है परफॉर्मेंस टीम की, और उसके अलावा वो हाउएवर द टीम विल नॉट बी सक्सेसफुल इफ द मेंबर्स कैन नॉट प्ले वेल टुगेदर। अगर उसके मेंबर आपस में टीम वर्किंग शो नहीं कर रहे, टीम वर्क शो नहीं कर रहे, तो टीम नहीं जीत सकती। टीम तभी जीतेगी जब मेंबर्स विल शो टीम वर्क, मेंबर्स विल वर्क टुगेदर। और लोगों को काम पे लगाने के लिए फिर आपको डेफिनेटली उनको फिर रिवॉर्ड करना पड़ता है, आपको उनके पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना पड़ता है। ये हम ब्रूस स्टकमैन के मॉडल में जाके पढ़ेंगे कि टीम डेवलपमेंट की स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, टीम अपनी डेवलपमेंटल प्रोसेस में किस किस स्टेज से गुजरती है, एंड हाउ दो स्टेजेस प्ले एन इम्पैक्ट एन इम्पॉर्टेंट रोल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ओके, गुड। ओके, इसके बाद चलें थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ लेते हैं ग्रुप और टीम का, बाकी फिर कल कंटिन्यू करेंगे। वर्क ग्रुप और टीम, ये क्वेश्चन भी आ चुका है पेपर में। सिचुएशन दी गई थी और कहा गया था बताएं कि ये वर्क ग्रुप है या वर्क टीम है। इसके लिए थोड़ा सा, अगर आपको मैं एक टेबल ड्रॉ कर दूं इसके डिफरेंस का, इफ आई कैन ड्रॉ टेबल फॉर यू। ओके, ग्रुप और टीम का ऐसा ऐसा कोई डिफरेंस का टेबल आपके बुक में तो नहीं बना हुआ, बट यू कैन हैव वन। तीन या चार मेन डिफरेंसेस हैं वर्क ग्रुप और वर्क टीम में। पहला जो डिफरेंस है इसके अंदर वो ये है कि वर्क ग्रुप जो है, दैट इज कैन बी लार्ज इन साइज। वर्क टीम जो हैज टू बी स्मॉल, 6 to 8 members, नॉट मोर देन दैट। फर्स्ट डिफरेंस है, वर्क ग्रुप कैन बी एज लार्ज एज इट कैन, यानी एक पूरा डिपार्टमेंट एक वर्क ग्रुप होता है। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है, वो पूरा एक पूरे का पूरा डिपार्टमेंट एक वर्क ग्रुप है। फिर उस डिपार्टमेंट के अंदर आप कोई प्रोजेक्ट देते हैं 3-4 employees को, और उसकी एक टीम बना देते हैं आप, तो दैट इज अ वर्क टीम। ठीक है, वर्क ग्रुप में देयर इज नो सिनर्जी, नो सिनर्जी। वर्क टीम में देयर हैज टू बी पॉजिटिव सिनर्जी, नेगेटिव भी हो सकती है लेकिन होनी चाहिए पॉजिटिव सिनर्जी, कैन बी नेगेटिव एज वेल। जो भी हमने पढ़ा है ना कि अगर आपकी टीम वर्किंग जो है वो कम होगी तो ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस जो है वो इफेक्टिवनेस कम होगी एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, लेकिन आइडियली सिनर्जी शुड बी पॉजिटिव। वर्क ग्रुप के अंदर डिसीजन टेकन बाय द लीडर, वर्क टीम के अंदर कंसेंसुअल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, वर्क ग्रुप के अंदर डिसीजन मेकिंग जो है वो लीडर लेता है, और वर्क टीम के अंदर जो डिसीजन मेकिंग है वो कंसेंसुअल होती है। वर्क ग्रुप जो है दे कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, सीजेस व्हेन द टास्क इज फिनिश्ड। ये चार मेन डिफरेंसेस हैं। वर्क ग्रुप्स एग्जिस्ट करते रहते हैं, आप मेंबरशिप चेंज कर देते हैं उसमें, वर्क टीम की अपेयरेंस खत्म हो जाती है एज सून एज द टास्क इज फिनिश्ड। ये चार की डिफरेंसेस हैं वर्क ग्रुप में और वर्क टीम में। ठीक है, तो आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि वर्क ग्रुप और वर्क टीम में क्या डिफरेंस है। नॉट ऑल वर्क ग्रुप्स ऑपरेट लाइक अ टीम। टीम वर्क ग्रुप के लेवल की डेवलपमेंट का वो लेवल है जहां पे मेंबर्स इफेक्टिवली टुगेदर काम करते हैं, सिनर्जी शो करते हैं, दैट्स वेयर इट इज, सिनर्जी शो करते हैं। एंड ऑल द टीम मेंबर्स आइडेंटिफाई देमसेल्व एज पार्ट ऑफ द टीम, ये सिनर्जी है। एंड टीम रीचेज डिसीजन बाय कंसेंसस, कंसेंसुअल डिसीजन मेकिंग होती है। ठीक है, तो डिसीजन टेकन बाय अ टीम हैव द सपोर्ट ऑफ द एंटायर टीम, नॉट जस्ट ओनली द ग्रुप। सिंस टीम्स टेक डिसीजन बाय कंसेंसस, तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर लार्ज वर्क ग्रुप टू एक्ट लाइक अ टीम। तो टीम्स आर ऑफन क्वाइट स्मॉल, 6 to 8 members। इसी तरह इट इज डिफिकल्ट टू बिल्ड अ टीम व्हेन द वर्क ग्रुप मेंबर्स आर स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस। ये एक और डिफरेंस नोट कर लें, दिस इज वन मोर डिफरेंस। कैन ऑपरेट इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस
has to be physically members have to be physically connected together to operate effectively. ठीक है, so members have to be physically connected together, तो ये एक और डिफरेंस है. यस, ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेज बिटवीन द ग्रुप्स एंड द टीम्स. ये कुछ की डिफरेंसेज हैं ग्रुप्स में और टीम्स में. कल हम इंशाल्लाह टीम्स की टाइप्स को रिव्यू करेंगे और सक्सेसफुल वर्क टीम के कुछ फीचर्स देखेंगे, और कल हम बेलबिन का मॉडल पढ़ेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल. बेलबिन के 9 टीम रोल्स किस किस्म के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो हम इंशाल्लाह फिर कल हम बेलबिन का मॉडल रिव्यू करेंगे. ठीक है, टेस्ट मैंने अनाउंस कर दिया आपका 8 चैप्टर का, दो पार्ट्स में. पहले पार्ट का जो टेस्ट है वो कमिंग फ्राइडे को है, रेंसिस लाइकर्ट तक, और दूसरे पार्ट का जो है वो नेक्स्ट ट्यूसडे को है. ठीक है, तो 8 चैप्टर को रिवाइज करना शुरू कर दें विद इन 2-3 डेज. इसका टेस्ट आ रहा है, चलिए आप सुन लें. ओके, मेरा ख्याल है शायद मैं स्किप कर गया था. 8 चैप्टर को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ आपके लिए. लेंथी चैप्टर है जी, 8 चैप्टर लेंथी चैप्टर है, तो मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ आपके लिए. पहला जिसका टेस्ट होगा आपका, दैट वुड बी फ्रॉम द बिगिनिंग अप टिल रेंसिस लाइकर्ट तक होगा इसका टेस्ट आपका पहला. और इसका जो दूसरा टेस्ट होगा वो होगा कॉन्टिजेंसी थियरी से ऑनवर्ड. ये पहला टेस्ट होगा यहाँ तक, ये यहाँ तक पेज नंबर 185 तक. टेस्ट वन पेज नंबर 185 ड्यू ऑन दिस फ्राइडे, और टेस्ट नंबर 2 स्टार्ट होगा 186 से चैप्टर एंड तक 196 तक. ठीक है, सो ये वैसे मैं व्हाट्सएप पे भी अनाउंस कर दूंगा. आई विल ऑल्सो पुट इट ऑन व्हाट्सएप एज वेल. ठीक है, चलें. एनी क्वेश्चन, एनी कंसर्न यू हैव इन योर माइंड, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क, कोई क्वेरी, कोई कंसर्न, कोई प्रॉब्लम. पेज नंबर 126 पैराग्राफ 126. ओके, लेट्स गो टू 126 फर्स्ट, then we would see कि आप किस पैराग्राफ को एक्सप्लेन करने को कह रहे हैं. 126 क्रिएटिंग बैरियर्स टू मर्जर एंड एक्विजिशंस, चेंज मैनेजमेंट के बैरियर्स हैं. आउट ऑफ द 3 बैरियर्स दिस इज द लास्ट वन. यही कह रहे हैं ना लादेव. देखिए चेंज जो होता है ना बेसिकली, सॉरी कल्चर एग्जैक्टली, कल्चर के डिसफंक्शनल एस्पेक्ट्स हैं. कल्चर क्रिएट बैरियर्स टू मर्जर एंड एक्विजिशन. लेकिन जब दो इदारे मर्ज हो रहे होते हैं तो इट इज नॉट जस्ट देयर एसेट्स विच आर बीइंग मर्ज टुगेदर, कल्चर भी मर्ज हो रहे होते हैं. हमने डिस्कस किया था कि ऑपरेशनल फिट का मतलब है कि आप अपने रिसोर्सेज को रैशनलाइज कर लेते हैं, बट कल्चरल प्रैक्टिसेस आर नॉट अलाइंड. किसी एक इदारे का कल्चर जो है वो किसी एक डायमेंशन में है, किसी दूसरे इदारे का कल्चर एंटायरली ऑपोजिट है, तो कल्चरल फिट नहीं होता. ऑर्गेनाइजेशंस जब कॉर्पोरेट कंसोलिडेशन कर रही होती हैं तो दे नीड टू चेक दैट वेदर देयर कल्चर्स अलाइंड और नॉट. उनका प्राइम फोकस एनर्जी पे और कॉस्ट सेविंग पे होता है. दे आर प्राइमरली फोकसिंग ऑन द कॉस्ट सेविंग, वेयर इन रियलिटी द ग्रेटेस्ट फैक्टर इन सक्सेस और फेलियर इज दैट वेदर कल्चर्स मैच और नॉट. मर्जर एक्विजिशंस कहते हैं ना कि जब दो इदारे आपस में, या एक इदारा दूसरे को परचेज कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, या दो इदारे आपस में मर्ज हो रहे हैं. तो जब मर्जर हो रहा होता है तो इट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू लुक फॉर कि क्या उनके कल्चर मैच करते हैं कि नहीं करते. अगर कल्चर मैच नहीं करेंगे तो दैट वुड बी अ सोर्स ऑफ फेलियर, ये फिर फेलियर हो जाएगा उनके लिए. अगर कल्चर मैच कर रहे हैं देन इट इज गोइंग टू वर्क आउट. ठीक, तो बेसिकली कल्चर अगर स्ट्रांग हो गए दो, अगर स्ट्रांग कल्चर होगा तो वो मर्ज नहीं होगा. तो ये डिसफंक्शनल एस्पेक्ट है कल्चर का. The stronger the culture is, the difficult it would be to converge together. Culture जितने strong होते हैं countries के उतनी उनमें convergence कम हो जाती है, उनमें आपस में जो gel in होना होता है वो कम हो जाता है. ठीक है ना, जितने cultures मजबूत होते हैं उतनी उनकी convergence weak होती है.
ओके ग्रेट श्योर लेट्स ओके एक और क्वेश्चन आ गया शाबाश वेरी गुड यू पीपल आर नाउ स्टडीइंग इट मींस लेट्स टॉक अबाउट प्रोसीजरल एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इक्विटी थ्योरी इक्विटी थ्योरी कहती है कि तीन किस्म के लेवल पे जस्टिस होने चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो होता है दैट इज द फेयरनेस और इक्विटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटकम्स जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी है या प्रेजेस हैं आप किसी एक एम्प्लॉय की तारीफ किए जाएं किसी दूसरे की तारीफ ना करें तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव इनजस्टिस है या किसी एम्प्लॉय को सैलरी इंक्रीमेंट ज्यादा दें किसी को कम दें हालांकि दोनों ने काम एक जैसा किया था तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव इनजस्टिस है प्रोसीजरल जस्टिस ये होता है कि क्या किसी प्रोसेस के अंदर फेयरनेस मौजूद है या नहीं है यानी द फेयरनेस ऑफ द प्रोसेस दैट लीड्स टू एन आउटकम मतलब एक एम्प्लॉय ने छुट्टी की है तो उसने एप्लीकेशन दे के छुट्टी की है एक ने बगैर बताए छुट्टी कर ली है दैट इज प्रोसीजरल इनजस्टिस या क्या एक्यूज को आपने फेयर ट्रायल दिया यानी फॉर एग्जाम्पल इल्ज़ाम लगाया किसी पे कि जी इसने चोरी की है गरीब इल्ज़ाम लगाएगा अगर चोरी का तो कोई नहीं सुनेगा अगर अमीर लगाएगा तो सारे सुनेंगे इट मीन्स के देर इज नो प्रोसीजरल जस्टिस एक्यूज कहते हैं जिस पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और फेयर ट्रायल से मुराद है कि उसकी बात सुनी गई है कंसिस्टेंसी एक्यूरेसी एथिक्स एंड एब्सेंस ऑफ बायस ये सारी की सारी चीज़ें प्रोसीजरल जस्टिस को क्रिएट करती हैं अगर कंसिस्टेंसी होगी अगर एथिक्स होंगे अगर एक्यूरेसी होगी तो ऑल ऑफ दीज आर द फीचर्स दैट प्रोड्यूस प्रोसीजरल जस्टिस ठीक है ओके गुड शाबाश और कोई क्वेश्चन एनी अदर क्वेश्चन यू हैव एनी अदर थिंग यू वुड लाइक टू आस्क चलें लेट्स कंक्लूड इट फॉर टुडे हाँ नहीं देखें अगर आउटकम से रिलेटेड हो यहाँ पे बात हो रही है प्रोसेस दैट लीड्स एन आउटकम यहाँ पे बात हो रही है डिसीजन अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन आउटकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अगर बात होगी कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने की तो डिस्ट्रीब्यूटिव है अगर बात होगी प्रोसेस से गुजारने की तो प्रोसीजरल है अगर प्रोसेस से गुजारने की बात हो रही है तो प्रोसीजरल जस्टिस है अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ठीक है दैट इज प्रोसीजरल जस्टिस प्रोसीजरल है अप्लाइड से क्या मुराद है प्रोसेस है अप्लाइड सबको ये देखे ना फेयर ट्रायल की बात हो रही है ना ये फेयर ट्रायल की के जो भी डिसीजन है वो सब पे इक्वली अप्लाइड है सो दैट इज द प्रोसीजरल जस्टिस दैट इज प्रोसीजरल जस्टिस इट शुड बी प्रोसीजरल चले मैं चेक करता हूँ नुमान से आई चेक विद नुमान माइट बी एरोनियसली मार्क ना कर दिया हो दिस इज प्रोसीजरल जस्टिस और कोई चीज चल सी यू इंशाल्लाह टुमारो ओके जी अल्लाह हाफिज थैंक यू